जोहार झारखंड, मैं ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की सिंचाई प्रणाली को देखेंगे। तो प्यार दोस्तों, मैं चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और 12वां लेसन का भी इंतजार करना है, क्योंकि 12वां लेसन में नदी घाटी परियोजनाएं जितनी भी है उसमें विस्तार से बताऊंगा। आज भी बताऊंगा, लेकिन बहुत ही कम, मतलब कि संक्षेप में बताऊंगा। लेकिन अगले लेक्चर में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो 12वां लेसन का भी आपको इंतजार करना है, और ये सभी लेसन आपको झारखंड का भूगोल के अंतर्गत प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से में ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए प्यार दोस्तों, अब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि देखिए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो प्यार दोस्तों देखिए, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो देखिए, जब कुल क्षेत्रफल है तो उस कुल क्षेत्रफल में 45.69% भूभाग पर कृषि कार्य संभव है। ये कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि कुल भूभाग के 45.69% भूभाग पर कृषि कार्य संभव है। लेकिन झारखंड की स्थिति देखिए आप, मात्र 23% भूभाग पर कृषि होती है। देख लीजिए आप, मात्र 23% भूभाग पर कृषि होती है। और अब आप सिंचाई पर आइए। तो प्यार दोस्तों, ये 23% भूभाग पर जो कृषि होती है, मतलब शुद्ध रूप से बुआई होती है फसलों की, तो इसमें भी मात्र 12.77% पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। देख लीजिए, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो 23% भूभाग हुआ उसका 12.77% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। देख लीजिए झारखंड की क्या दुर्दशा है। अब देखिए, 12.77% भूभाग में 58% जो सिंचाई है वह सतही जल के द्वारा संभव है, और लगभग 42% भूभाग जो है वह भूमिगत जल के द्वारा वहां पर सिंचाई होती है। तो आपने चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिया। चलिए प्यार दोस्तों, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि आपको एक बात जानकर और बहुत आश्चर्य होगा प्यार दोस्तों, कि झारखंड में सिंचाई के साधन जब आप सुनिएगा ना तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पहला नंबर पर सिंचाई के साधन कौन है, आपको मालूम है। देखिए तो झारखंड के सिंचाई साधन को भी देखते हैं हम लोग। तो पहला नंबर पर सिंचाई के साधन कुआं है। जिस राज्य में सिंचाई का साधन मुख्य रूप से कुआं हो, पहले नंबर पर सिंचाई के साधन का नाम जब लिया जाए तो कुआं का नाम आए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है सिंचाई की। तो देखिए प्यार दोस्तों, कुआं से 29.38% शुद्ध बोए गए भूमि का, मैं बात कर रहा हूं कुल नहीं, शुद्ध बोए गए भूमि का कितना 23% जो भूभाग बच हुआ उसका 29.38% भूभाग पर कुआं के द्वारा सिंचाई होती है। और कुआं के द्वारा सिंचाई में अव्वल जिला गुमला है। ये जबरदस्त वाला जीके प्यार दोस्तों,
कुआं से जो सिंचाई होती है उसमें अव्वल जिला कौन है, तो गुमला है। चलिए बात करते आगे। दूसरा सिंचाई का साधन तालाब है प्यारे दोस्तों, कुआं के बाद तालाब का नंबर आता है। तो कितना शुद्ध बोए गए भूमि का 19.07% भूभाग पर तालाब के द्वारा सिंचाई होती है। तो और तालाब के मामले में देवघर नंबर एक पर है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में आता है नहर का। तो प्यारे दोस्तों देखिए, नहर तीसरे नंबर पर है और शुद्ध बोए गए भूमि का 17.53% भूभाग पर नहर के द्वारा सिंचाई होती है। तो नहर के मामले में सिंहभूम क्षेत्र अव्वल है। चलिए प्यारे दोस्तों बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नलकूप का चौथा नंबर नलकूप आता है। नलकूप तो आप समझ ही रहे ना, नलकूप चापाकल से सिंचाई हो रही है झारखंड में, क्या स्थिति खराब है। तो देखिए नलकूप के द्वारा 8.28% भूभाग पर शुद्ध बोए गए भूमि का 8.28% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है और नलकूप के द्वारा सिंचाई में लोहरदगा जिला प्रथम आता है। और अन्य साधन सिंचाई के अन्य साधनों के द्वारा 25.75% शुद्ध बोए गए भूमि का सिंचाई साधन उपलब्ध है। तो अन्य में क्या क्या आ गया प्यारे दोस्तों, नदियां आ गई, नदी घाटी परियोजनाएं आ गई, वो सभी अन्य में आ गई। तो देखिए और आपको तो एक बात मालूम है, नदियों में पानी टिकता नहीं है। झारखंड का धरातलीय स्वरूप ही वैसी है कि पानी अंदर घुसता नहीं है, जमीन पर टिकता नहीं है, बिखर के बाहर निकल जाता है। तो बहुतों काम करने की आवश्यकता है सिंचाई के मामले में। तब जो संभव जो है 45.69% भूभाग पर जो कृषि कार्य संभव है, जो कृषि वैज्ञानिक बोल रहे हैं, तब हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अब इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। अब देखिए बारी बारी से चीज़ों को समझिए आप लोग। तो सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता किन किन जिलों में है, अभी आवश्यकता के अनुसार से हम बात कर रहे हैं। सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता किन किन जिलों में है, तो गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, गुमला, और ये क्रम से है प्यारे दोस्तों। गोड्डा में सबसे ज़्यादा, साहेबगंज में उसके बाद, फिर दुमका, फिर गुमला। मैं उसी तरीके से बात करूँगा, क्रम क्रम से मैं बात करूँगा। तो सर्वाधिक आवश्यकता सिंचाई की गोड्डा जिला, फिर साहेबगंज जिला, फिर दुमका जिला और फिर गुमला जिला। फिर उसके बाद उच्च आवश्यकता वाले सिंचाई जिला कौन सा है, जहाँ पर कि सिंचाई की उच्च आवश्यकता है, तो प्यार दोस्तों देवघर, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, क्रमशः। फिर मध्यम आवश्यकता वाले जिले सिंचाई के कौन से हैं, तो प्यार दोस्तों देखिए गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, क्रमशः। और निम्न आवश्यकता वाले जिले वो कौन कौन से प्यार दोस्तों, चतरा, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, क्रमशः। तो आपने इन डाटा को भी देख लिया कि किन जिलों में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता है, किन जिलों में उच्च आवश्यकता है, किन जिलों में मध्यम आवश्यकता और किन जिलों में निम्न आवश्यकता है, आपने इन चीज़ों को भी बेहतरीन ढंग से देख लिया। अब देखिए प्यारे दोस्तों अब मैं आपको एक और डाटा दे रहा हूँ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अब मैं आपको एक और डाटा दे रहा हूँ कि सर्वाधिक सिंचाई वाले जिले कौन कौन से हैं, जहाँ पर कि सर्वाधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए पलामू, वहाँ पर 24.25% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। फिर उसके बाद देवघर 14.22% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। फिर उसके बाद गोड्डा 14.21% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। फिर हजारीबाग 10.51% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। फिर उसके बाद दुमका 9.47% भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। बस एक दो बार आपको वीडियो देखना है और डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाला गया है, आप वहाँ से नोट्स को उतार दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों अब देखिए सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी झारखंड में चलाई जा रही हैं और
इसके बारे में अगले लेक्चर में भी डिटेल से चर्चा की जाएगी। अभी तो बस थोड़ा संक्षिप्त मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस ब्रीफ मैं आपको इन चीज़ों का बता रहा हूँ। देखिए प्यारे दोस्तों, तो तीन प्रकार की सिंचाई योजनाएं झारखंड में चलाई जा रही है। कौन कौन सी प्यारे दोस्तों? वृहद सिंचाई परियोजनाएं, फिर उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और फिर एक लघु सिंचाई परियोजनाएं। ये तीन प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं झारखंड में चलाई जा रही है। तो देखिए वृहद के अंतर्गत क्या आता है प्यारे दोस्तों, हमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। उसके लिए जो सिंचाई योजनाएं लाई गई है उसे वृहद सिंचाई परियोजनाएं के अंतर्गत रखा गया है। तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपने को लाभ पहुंचाना है। चलिए अब देखते हैं, तो इसके अंतर्गत मैंने 8 सिंचाई परियोजनाओं का नाम लिखा है। संक्षिप्त में मैं आपको चीजों को बताना चाहता हूं। कौन कौन सा प्यार दोस्तों? देखिए सुवर्ण रेखा परियोजना और लाभ किन जिलों को मिल रहा है? तो सिंहभूम जिलों को, सिंहभूम क्षेत्र में, मतलब दोनों सिंहभूम में स्वर्ण रेखा परियोजनाएं। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से यह प्रारंभ हुआ था। चलिए उसके बाद कोनार बराज परियोजना और लाभ वाले जिले बोकारो हजारीबाग, और ये भी पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था। चलिए अब देखते हैं उत्तरी कोयल परियोजना, लाभ लेने वाले जिले पलामू और गढ़वा भी आ जाएगा इसमें प्यार दोस्तों, और यह भी पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था। चलिए अब देखते हैं गुमानी जलाशय परियोजना, इसमें लाभ किन किन जिला को मिल रहा है? साहेबगंज और पाकुड़ जिला को, और यह सातवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखते हैं पुनासी जलाशय परियोजना, लाभ वाले जिले देवघर, और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं औरंगा जलाशय परियोजना, लाभ वाले जिले पलामू, और यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं प्यारे दोस्तों अजय बराज परियोजना, लाभ वाले जिले देवघर और दुमका, और फिर कांची वृहद सिंचाई परियोजना, लाभ वाले जिला रांची। तो प्यारे दोस्तों आपने आठों वृहद सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जान लिया, और इसके बारे में डिटेल से विस्तार से अगले लेक्चर में भी चर्चा करेंगे, तो उस लेक्चर को भी आपको देखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने संक्षेप में यहाँ पे बताया आपको, चलिए अब देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में। और प्यारे दोस्तों एक बात, ये सभी परियोजनाएँ किसी न किसी नदी पर है, तो उन नदियों के भी बारे में अगले लेक्चर में डिटेल से बात कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अब देखते हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई साधन उपलब्ध हो सके, तो वैसी परियोजनाओं को मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचे। चलिए प्यारे दोस्तों, तो इसके अंतर्गत लगभग मैंने 20 और ऐसे तो लगभग 283 मध्यम सिंचाई के परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो लेकिन मैंने यहाँ पे 20 का जिक्र किया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों चलिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ 20 का जिक्र किया गया है। लगभग प्यारे दोस्तों जो है ना 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है, 600 से अधिक। और एग्जैक्ट मैं अगले लेक्चर में इसको मैं फिर से मैं बताऊंगा, चलिए देखते हैं, लेकिन 600 से अधिक। तो इसके अंतर्गत मैंने 20 परियोजनाओं का नाम यहाँ पे लिखा है संक्षेप में, चलिए उसको आप लोग देख लीजिए। प्यारे दोस्तों देखिए, तोरई बराज परियोजना लाभान्वित जिला दुमका 1978 ईस्वी से प्रारंभ। अगला सकरी गली पंप योजना लाभान्वित जिला साहेबगंज 1978 ईस्वी से प्रारंभ। कंस जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला रांची 1979 ईस्वी से प्रारंभ। बटाने जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला पलामू 1981 ईस्वी से प्रारंभ। कतरी जलाशय परियोजना
लाभ वाले जिला गुमला 1981 ईस्वी से प्रारंभ। सोनवा जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला सिंहभूम क्षेत्र और 1983 ईस्वी से प्रारंभ। पतरातू जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला रांची 1983 ईस्वी से प्रारंभ। केशो जलाशय योजना परियोजना लाभान्वित जिला हजारीबाग 1983 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद सलैया जलाशय परियोजना हजारीबाग लाभान्वित जिला हजारीबाग 1983 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद सतपोटका जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला सिंहभूम 1983 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद नकटी जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला सिंहभूम 1983 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद रामरेखा जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला गुमला 1983 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद देखिए प्रदोस्तों, भैरवा जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला हजारीबाग 1984 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद पंचखेरो जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला हजारीबाग 1984 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद देखिए वास्की सिंचाई सह जलापूर्ति योजना लाभान्वित जिला रांची 1984 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद देखिए धान सिंह टोली जलाशय परियोजना लाभान्वित सिंहभूम 1986 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद सुरंगी जलाशय परियोजना लाभान्वित सिंहभूम 1987 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद अपर शंख जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला गुमला 1987 से प्रारंभ। फिर उसके बाद कसजोर जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला गुमला 1989 ईस्वी से प्रारंभ। फिर उसके बाद औरंगा जलाशय परियोजना लाभान्वित जिला पलामू और सातवीं पंचवर्षीय योजना से यह प्रारंभ हुआ था। तो आपने लगभग 20 मध्यम सिंचाई के परियोजनाओं को जान लिया और विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे विस्तार से आपको डिटेल में मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में। चलिए कर दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। लघु बिल्कुल भी छोटे छोटे, तो इसके अंतर्गत देखिए प्यार दोस्तों, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले जगह को अपने को सिंचाई सुविधा देनी है तो वहाँ पर लघु सिंचाई परियोजना का विकास किया गया है उसके अंतर्गत। और उसके बाद देखिए प्यार दोस्तों कि लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है ना कैसे किसके द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो प्यार दोस्तों देखिए, पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड, देख लीजिए प्यार दोस्तों, एक संस्था का निर्माण किया गया है, स्थापना की गई है पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड। और इसी के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूमि पर सिंचाई साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या, छोटे छोटे जलाशय, तालाब, रोक बांध और नलकूप, इन सभी चीज़ों का निर्माण कराया जाता है। तो प्यार दोस्तों देखिए, आपने लगभग लगभग सारी चीज़ों को जान लिया, सिंचाई का क्या स्थिति है इन चीज़ों को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जान लिया, सभी डाटा को आपने जान लिया। और इस लेक्चर में जो भी बातें कही गई है वो डिस्क्रिप्शन में नोट्स बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग नोट्स को उतार लीजिएगा। तो प्यार दोस्तों, अगला लेक्चर का भी इंतज़ार करना है। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के संदेश आते हैं, कमेंट्स प्राप्त होते हैं कि आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आपको स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊं, अच्छा अच्छा लेसन अपलोड करूं। तो प्यार दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हों, मैं ईश्वर से बार बार कामना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।